आज मेरा सौभाग्य है कि एकादशी के पावन पर्व पर माता जानकी के चरणों में आने का सौभाग्य मिला। भारत का पहला प्रधानमंत्री आज जनकपुर में राजा जनक को, माता जानकी को प्रणाम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और ये भी ऐतिहासिक पल है कि नेपाल के आदरणीय प्रधानमंत्री और मेरे भाई साहब आदरणीय कोहली जी स्वयं काठमांडू से यहाँ आए, मेरा स्वागत सम्मान किया और माता जानकी के दर्शन के लिए उत्तम प्रबंध किया। मैं नेपाल सरकार का, राज्य सरकार का, नगर सरकार का और स्वयं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अंतःकरण पूर्वक आभार मानता हूं। ये स्वागत सम्मान निमित्त शायद देश के प्रधानमंत्री के रूप में मैं हूं, लेकिन नेपाल ने जो सम्मान स्वागत दिया है वो हजारों वर्ष की हमारी परंपरा का सम्मान है, ये 125 करोड़ हिंदुस्तानियों का सम्मान है और आज मुझे खुशी है कि आदरणीय प्रधानमंत्री कोहली जी के साथ जबकि सारी दुनिया में टूरिज्म तेज गति से विकसित हो रहा है, सबसे ज्यादा ग्रोथ आज टूरिज्म का है, रामायण सर्किट दोनों देशों के करोड़ों यात्रियों के लिए ये यात्रा की एक बहुत बड़ी मिसाल है। हम दोनों देश मिलकर के रामायण सर्किट के भ्रमण के लिए आगे की योजना के लिए आज प्रारंभ कर रहे हैं। मेरे लिए आज खुशी है कि जिस उत्तर प्रदेश ने, जिस बनारस ने मुझे सांसद बनाया, 125 करोड़ देशवासियों ने मुझे प्रधानमंत्री बनाया और सदियों से अयोध्या और जनकपुर का नाता अटूट है, अविस्मरणीय है। आज जनकपुर अयोध्या सीधी बस सेवा का प्रारंभ हो रहा है, मैं इसके लिए भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, प्रशासन का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और भविष्य में आर्थिक विकास के लिए, हमारे सांस्कृतिक संबंधों को और ताकत देने के लिए, हमारे पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट के लिए ये एक नई धरोहर के रूप में आगे रास्ता प्रशस्त करेंगे। मैं फिर एक बार स्वयं प्रधानमंत्री जी का यहां आना, मेरा स्वागत करना, सम्मान करना, मैं हृदय पूर्वक आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, नेपाल सरकार का, राज्य सरकार का, नगर सरकार का आदर पूर्वक अभिनंदन करता हूं।